तो अभी अभी दराज से ग्राफिक कार्ड मुझे मिला है मतलब मैंने ऑर्डर किया था तो अभी अभी ये डिलीवर हुआ है तो एफगा का ग्राफिक कार्ड है तो जीटी 550 अब ओपन करते हैं खैर इसका जो वेट है काफी मुनासिब लग रहा है मतलब कम लग रहा है मेरे प्रीवियस कार्ड से सो लेट्स ओपन दिस एंड शायद इस और तो इसमें कुछ भी नहीं है तो दराज का पैकेज था एंड कुछ इस टॉप तरह से पैक किया गया है तो मेरा बिल आ रहा है साथ में इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटाते हैं तो ये सीडी एंड साथ में कन्वर्टर पैकिंग की बात करें तो उन्होंने पैकिंग तो खैर काफ़ी उस से इन्होंने सही से की हुई है चीटूस के पैक में पैकिंग हुई है हमारी और बबल रैप अगेन तो उसके अलावा फिर एक और पैकिंग अच्छा है भाई जितनी सेफ्टी हो सके उतनी सेफ्टी करनी चाहिए और साथ में यहाँ पर बैक पे एक और प्रोडक्शन तो ये हमारे कुछ फाइनल लुक है हमारे कार्ड की और मुझे समझ नहीं आ रहा बैग से इन्होंने ये जो है इसका चिप जो है वो लगती है यानी कि क्योंकि फर्स्ट टाइम आई ऑर्डर दिस कार्ड डी टी एक्स फाइव फिफ्टी जी फोर एपका का कार्ड का का है और दराज से सेवन थाउजेंड का मैंने मंगवाया है लेट्स ट्राई दिस तो देखते हैं भाई एक और कार्ड मैंने मंगवाया था निविडिया का तो गैर मॉडल्स का मुझे याद नहीं है लेकिन उसका भी बताऊंगा बेस्ट प्राइस टैग मुझे मिली थी दराज से टू फिफ्टी सिक्स बिट्स का था वन जी बी एंड डी टी आर फाइव और वो डी टी आर थ्री था तो वो मुझे थर्टी टू टू थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर हंड्रेड के आसपास मुझे मिला था और ये जो है ये मुझे सेवन थाउजेंड रुपीज़ का दायराज से मिला है और मेरे ख्याल से यार मुनासिब प्राइस है या फिर ऊपर नीचे कुछ कह सकते हैं क्योंकि इसमें फैन बड़ा है और इसलिए मैंने ऑर्डर किया और मैंने इसलिए भी ऑर्डर किया क्योंकि यार तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और मुझे हाई रेंडरिंग के लिए चाहिए होता है तो खैर बहुत हाई तो नहीं है लेकिन यार कुछ ना कुछ बेहतर ही है जी टी एक्स फाइव फिफ्टी टी आई सिस्टम मेरे पास है मैं सिस्टम में भी लगाऊंगा और देन पता चलेगा भाई कितने भी इसका सो है तो आपको मैं जो है वो आ, सिंपल सी एक वीडियो जो है शॉर्ट बना के फिर बता दूंगा कि क्या ये आ, ग्राफिक कार्ड सही चल रहा है या नहीं क्योंकि यार ये वीडियो वैसे मेरे बनाने का आ, मूड नहीं था जस्ट इसलिए बनाई ताकि यार आपको पता चल सके कि दरार से जो मैंने परचेजिंग की है और ये दराज से मेंशन भी कर दूंगा अपना कमेंट भी कि अगर आपने रिव्यू देखने तो काइंडली जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी ये एक वीडियो है जाके वो अगर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करते हैं दारा से तो क्या उन्हें ये बाय करना चाहिए या नहीं तो ओवरऑल यार सेकंड हैंड प्रोडक्ट है ठीक है बिल्कुल न्यू नहीं आती न्यू तो एक्सपेंसिव uh, है तो लॉट का ये जो आता है फ्रेश माल फ्रेश तो नहीं कहेंगे खैर सेकेंड हैंड में ही आता है तो वो ये लोग आगे सेल करते हैं भाई इसका मुझे थोड़ा सा है कि और इसका यूजर एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है जैसे कार्ड जो लोग कार्ड देखने आएंगे उन्हें बहुत सी इसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पता होगी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और इसमें कुछ बताना चाहिए सीधा अपने सिस्टम पे जाऊँ और इसको डायरेक्टली लगाऊं और टेस्ट आउट करूं क्या ये काम कर रहा है या नहीं फिर क्या आपने बाय करना है करना चाहिए आपको या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूं मैं